series. Yeah. It's your big day. Ooh. Incredible job. I know we had our differences, but today I just want to T-Series. Yeah. It's your big day. Ooh. Incredible job. I know we had our differences, but today I just want to give me this opportunity to speak on your YouTube channel. Thank you very much, sir. Sir, जब मैं आपने रिजल्ट देखा तो फिर तब मुझे बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि मैंने खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं की थी. उन्होंने मुझे एक्सपेक्ट से ज़्यादा दी, लेकिन मैंने मेहनत पूरी की थी. बस थोड़ी बहुत खामियाँ रही थी, वरना मेरा बाकी सब सही गया था. और मैं अपने जूनियर्स को यही राय देना चाहता हूँ कि वो अपना पेपर बिल्कुल अच्छे से दें और पूरा 100% दें, 100 करने की कोशिश करें. बात करें तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर ने कभी भी मुझे सपोर्ट की कमी नहीं होने दी है. इन्होंने मेरे हर जगह साथ दिया है. और मेरे ट्यूशन टीचर सर जोशी सर, उन लोगों का काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल फ्रेंडली हैं. और मैं उन्हीं के कोचिंग सेंटर टॉपर कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ. सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. उन्होंने जब भी मेरे कम नंबर आए मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे मेरे लगातार कम नंबर क्यों नहीं आए. उन्हें लग रहा था, उन्हें पहले ही पता था कि मैं अच्छा करूँगा और अच्छे मार्क्स लाऊँगा. और मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ. और सर का एक चैनल भी है, ताकि वो सब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सके. आप उसमें देख सकते हैं, वो कोचिंग सेंटर, स्कूल और यूट्यूब चैनल पे सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं और उसी की तरह फ्रेंडली है. और आप चाहें तो सर को सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. हमारे साथ है वैभव पोखरियाल. वैभव पोखरियाल, आपकी परसेंटेज क्या रही बच्चे? सर 94.6. तो 94.6 आए वैभव के, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बहुत अच्छी परसेंटेज होती है. और मैथ्स में पूछना चाहूंगा मैं, मैथ्स में कैसे रही? सर मैथ्स में थोड़े से कम थे, पर 90. तो मैथ्स में वैभव पोखरियाल के 90 थे. मैं वैभव पोखरियाल से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने पढ़ाई कैसे करी, ये बताइए आप जरा बच्चों को. सर पढ़ाई मेन उस समय, जैसे आपके पास जोशी सर जैसे टीचर आ गए, उस समय यूट्यूब का बहुत अच्छा, मतलब पेपरों के टाइम पर यूट्यूब से बहुत अच्छा, मतलब उस समय के लिए वो मिल जाता है हमें पढ़ने के लिए. तो जैसे आप तो सर आ गए, पर पहले तो उस समय मैंने कई चैनलों पर देखा तो कई लेक्चर पूरे पूरे एक साथ नहीं मिलते थे. तो बाकी तो NCERT तो मेन है. NCERT में भी कई चीज़ें, जैसे हमें तो सर ने नोट्स दे दिए थे, तो नोट से ही मतलब पूरी NCERT का एक वो हो गया था. और बस अच्छा. और वैभव ये पूछना चाहूँगा कि तुम टॉपर्स में कब जुड़े? सर टॉपर्स में मैं स्टार्टिंग में अप्रैल में ही आ गया था इन से. तो आपने मेरे को ये बताना कि बच्चों को, जो जूनियर बच्चे हैं जो 10th वाले हैं, उनको क्या बताना चाहोगे आप? कि मैं यही बताना चाहूँगा कि एक तो NCERT पे मेन फोकस रखना है, और उसके बाद कई थोड़े बहुत जो सर के नोट्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो वो नोट जरूर पढ़ लेने. तो बच्चों आप हमारे साथ तनुश्री. तनुश्री आपकी परसेंटेज क्या रही इस बार? सर 93.2. तो तनुश्री की 93.2% है बेटा, ये बहुत बड़े अमाउंट होता है, 90 टच करना बहुत बड़ी बात होती है. तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि 93.2% लाने में आपने कितनी मेहनत करी या क्या पढ़ाई का शेड्यूल बनाया? सर वही दो टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए थे और फैमिली वालों ने भी काफी सपोर्ट किया था, तो शेड्यूल तो वही था, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं. एक्चुअली हेरिडिटी भी है तनुश्री की, वह अनुश्री वो भी टॉपर बच्ची थी हमारे स्कूल की, तो तनुश्री भी टॉपर है. और तनुश्री टॉपर्स के साथ जुड़ के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि आप मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से जुड़े हुए? सर 8th से थी मैं, तो वही था कि मतलब काफ़ी मोटिवेशन दिया है आपने भी, तो अच्छी रहा आपका ही सपोर्ट था.
टेंथ का रिजल्ट आया है और यहाँ पर टेंथ के टॉपर बच्चे बैठे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल बड़ी ही मेहनत करी और बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ा। मैं इनका फीडबैक भी जानना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे पढ़ाई करी और क्या करना चाहिए अपने जूनियर के लिए भी बताएंगे। सबसे पहले हम शिवम नौरियाल से जानना चाहेंगे, शिवम नौरियाल ने पढ़ाई कैसे की। पहले शिवम नौरियाल सबको ये बताएं कि आपकी परसेंटेज क्या थी बेटा। मेरी परसेंटेज 93 रही। अच्छा, तो शिवम नौरियाल के 93% रहे। हम ये जानना चाहेंगे कैसे पढ़ाई करी इन्होंने, और आपने जूनियर को भी बताना और ये भी आपने बताना कि आपने कैसे अपने में इम्प्रूवमेंट किया। मैं भी टीचर्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको पहले फॉलो करा, उसके बाद जो सर ने नोट्स दिए हैं खुद के ट्यूशन के नोट्स उनको फॉलो करा, उसके बाद जो मैंने एक्सरसाइज में खुद में जो मिसिंग पाया, जो मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस, उनको मैंने बार बार रिपीट करा जिससे मतलब परफेक्शन आए जो क्वेश्चंस जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उनमें। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी टेंथ में गए, क्या इनको, अब तो CBSE ने कोर्स भी रिड्यूस कर दिया, क्या इनको NCERT फोकस करने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए? पूरा NCERT से ही करना चाहिए, सारा NCERT से ही आता है मेनली, बस कुछ क्वेश्चंस को जो सर इंपॉर्टेंट RD शर्मा के बताते हैं उनको फॉलो करना है बस, बाकी और ज़्यादा जरूरत मेन NCERT ही है। अच्छा, और टॉपर्स के साथ आपका कैसा रहा, जो आपने 2 साल बिताए तो कैसा रहा आपका? टॉपर्स के साथ मुझे बहुत मज़ा भी आया और सर ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है तभी मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है। सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे साथ, सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाया, हमें जब जैसे हमारे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हमें बैक करा, हमें इंस्पायर करा कि हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो बहुत मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, ये आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे के लिए भी बेटा हमें चाहूँगा कि आगे आप बहुत अच्छा करो। आप बताइए जरा कि क्या परसेंटेज रही आपकी? सर मेरी 91.6। साक्षी की परसेंटेज 91.6 से है, और साक्षी क्या आपको अपनी परसेंटेज से सेटिस्फेक्शन अच्छी तरह? सर लगाई तो मैंने वैसे 85 थी। अच्छा, पर उससे ज्यादा आ गई। चलो भाई पहले मेरे को थोड़ा सा वो भी है कि मतलब अगर थोड़ा सा और आ जाती तो ठीक है। साक्षी पहले ऐसी लड़की जिन्होंने 85 लगाई लेकिन 91 आई, और उन्हें ये भी कि थोड़ा और ज्यादा आ जाते तो बहुत अच्छा होता, तो ये बहुत अच्छी बात है। साक्षी आपने कैसी पढ़ाई करी, 90 कैसे टच करे? सर मैंने ज्यादा फोकस वैसे मैथ्स और साइंस को दिया था। और बाकी कोई मैसेज देना चाहोगे आप छोटे बच्चों को? सर यही कि मतलब आपने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे और साथ में NCERT मैंने वही किए थे और सैंपल पेपर किए थे बस, मतलब वो ज्यादा अच्छा था। सर सबसे पहले तो मेरी परसेंटेज 92.3 आई है, और मैं जो अभी टेंथ में आने वाले बच्चे उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जो तुम्हारा सिलेबस है उसको स्टार्टिंग से फॉलो करना है और आलस नहीं दिखाना है, मतलब कि बीच में अगर I know we had our differences, but today, I just want to tell you. Hey, congratulations, it's a celebration, party all day, I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration, I just want to tell you that I think that you're amazing. Hey, congratulations. Aman Beast बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत अच्छी इसकी परसेंटेज है। अमन क्या परसेंट रहे बेटा? सर 90.8। तो 90.8 यानी 90 से ऊपर वाले काफी बच्चे रहे हमारे पास, मेरे को ऐसा लगता है। तो अमन क्या रहा आपका पढ़ाई का जो स्ट्रेटजी आपकी, वो क्या थी? सर इन मैथ्स एंड साइंस सर मैंने NCERT पर फर्स्ट क्लियर की, उसके बाद सर आपके नोट्स लिए। जूनियर वालों को क्या समझाना चाहोगे? सर जूनियर वालों से ये समझाना चाहूँगा कि सर आप उनके सर के नोट्स पढ़िए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और सर का जो यूट्यूब चैनल है उससे हेल्प ले सकते हो आप, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सर एक चैनल में पढ़ा रहे हैं।
आपको मतलब ऐसा लगेगा कि सर आपके इन फ्रंट ऑफ आपके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं आपको ये बताना है कि इनको क्या ऐसा है कि हर बच्चा लगभग 90 टच कर सकता है, मतलब ऐसा कर सकता है, क्या पॉसिबल है 10th में? यस सर, पॉसिबल है, हर एक बच्चा कर सकता है अगर फर्स्ट अपना एनसीईआरटी का बेस अगर क्लियर कर दे तो। अच्छा, तो ये बच्चों बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चा 90 टच कर सकता है अगर आप पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह पढ़ो। मैंने बस बच्चों का फीडबैक दे रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि मैंने इनको पहले पढ़ा दिया हो कि भाई ये पट्टी पढ़ा दी बोलना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है अमन, शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, है ना? थैंक यू सर। बच्चों ये 10th वाले कुछ बच्चे थे, 10th वाले बच्चे अपने भाई के साथ आ रखी, अनुष्का ये 12th में है, ये भी इनको भी पढ़ाता हूँ मैं, तो अनुष्का का फीडबैक लेना चाहूंगा कि कैसी पढ़ाई होती है, कैसा आपको लगता है? काफी अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब सर बहुत अच्छे से टॉपिक्स को समझा देते हैं तो एकदम समझ में आ जाता है और क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। अच्छा अनुष्का, क्या 12th के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं मैथ्स के आपके? हाँ 12th के तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब क्लियर हो रहे हैं, मुझे लगा था कि काफी टफ होगी मैथ्स, बट अब कंसेप्ट क्लियर हो रहे तो बहुत इजी लग रहा है, सब कुछ अच्छा है। और एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, जो बच्चे मतलब फीस नहीं दे पाते या जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए यूट्यूब चैनल भी हमने बनाया, क्या उसमें रह के बच्चा अगर उस यूट्यूब का पढ़ता रहे तो क्या वो ठीक ठाक परसेंटेज ला सकता है? हाँ बिल्कुल सर, आराम से आ सकती है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वीडियोज में और क्वेश्चंस भी है एक्स्ट्रा कुछ कुछ, तो आ सकते हैं इजीली अगर कोई अच्छे से फोकस करेगा तो। चलो ठीक है, sir, by joining toppers I am taking interest in maths. I never liked maths in my life, but sir now I am improving my marks. Sir, according to me studying more and more so is so depressing, so I do not study continuously sir, I take gap between studying two different subjects. Sir, according to me students should study first NCERT, then they should concentrate in any other books. प्यारा बच्चा, बड़ा शरारती बच्चा है, तो हम आयुष रमोला से जानना चाहेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे करी, मेहनत इन्होंने करी और हर क्वेरीज पूछते थे मेरे को, बार बार पूछते थे, तो बड़ी अच्छी तरीके से करी। आयुष क्या आपका ख्याल है, क्या क्या सोचते आप? हाँ सर, वैसे तो एक जैसे मैं 10th में था तो मैंने रेगुलर वैसे तो पढ़ना ही था, पर वहाँ थोड़े बोर्ड के टाइम में तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की। पर वैसे आयुष आपको ही पता है मैंने एक YouTube चैनल बनाया है बच्चों के लिए, जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, खर्चा नहीं कर पाते, उनके लिए YouTube चैनल बनाया है, पता है आपको? हाँ जी सर, मैथ्स वाइज के जोशी सर बहुत अच्छा चैनल है सर, सभी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, और जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बहुत सही चैनल है मतलब पढ़ने के लिए, और आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते ही हो। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। और उसके बाद हम जाना चाहेंगे सक्षम, सक्षम जरा यहाँ शिफ्ट होते हैं, सक्षम से हम ये जानना चाहेंगे कि सक्षम जो बच्चे अभी 10th में गए इनके लिए आपका क्या मैसेज है कि ये कैसे पढ़ाई करें, मतलब कैसे आप लोगों ने करी, या जो चीज़ आप नहीं कर पाए ये कर पाएंगे, तो क्या बिल्कुल होना चाहिए करेक्ट इनको पढ़ाई का मेथड, बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो सबसे पहले तो हमें जो आप क्वेश्चंस कराते हैं उनको बार बार रिपीट करना चाहिए, जो नहीं आते हो हमें पूछना चाहिए, और NCERT तो फॉलो करनी चाहिए क्योंकि वो मेन ही होती है, CBSE जैसे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड आते हैं, और RD शर्मा और एक्स्ट्रा बुक्स भी हमें करनी चाहिए, उनके हार्ड हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं और जो मेन होते हैं। और जो भी बच्चे 10th में गए उनको तो यही कहना चाहेंगे कि NCERT के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो ज़रूरी करने चाहिए। ठीक है, तो सक्षम आगे आपका, आपने कौन सी स्ट्रीम ली बेटा? सर PCMC। तो हम ये चाहेंगे कि आप PCMC में बहुत अच्छा करो और 12th में हमसे जल्दी मिलो, ठीक है? तो थैंक यू।
अब हैं आयुष भंडारी, ये आयुष भंडारी गौरव और आदर्श एक बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं और तीनों अच्छे पढ़ते भी और इन्जॉय भी करते हैं और परसेंटेज भी तीनों की अच्छी आई। तो आयुष कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टेंथ क्लास का? टेंथ क्लास का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ के मज़ा भी आया और गालियाँ भी खाई थी थोड़ी बहुत इनके वजह से। अच्छा, लेकिन तो हाँ ठीक है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुल मिला के, है ना। तो जैसे कि आप ही बता सकते हो कि मतलब छोटे जो बच्चे टेंथ में गए कैसे ये पढ़ें कि बिल्कुल अच्छी परसेंटेज आ जाए इनकी? बस स्कूल में ध्यान दो, ट्यूशन में ध्यान दो और घर में अप सेल्फ स्टडी करो। और तो क्या टॉपर्स कोचिंग सेंटर से आपको कुछ हेल्प मिली? यस सर, मैथ में मेरे को बहुत हेल्प मिली और साइंस में। ठीक है, और क्या परसेंटेज आपकी रही आयुष इस बार? इस बार 89। तो बहुत अच्छी परसेंटेज है, 89% लाया आयुष, तीनों के तीनों बहुत अच्छी परसेंटेज लाए हैं। तो आगे आप क्या बनना चाहोगे? ऑफिसर बनना चाहेंगे। अच्छा, डिफेंस में जाना? डिफेंस में, आर्मी में जाना चाहेंगे, बहुत अच्छी चॉइस है, देश की सेवा करेंगे और ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। तो मतलब एनडीए क्रैक करने का सोचा है आपने? यस सर। ठीक है, तो आयुष मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, उसमें मैं हर संडे टू संडे एनडीए के लिए कोचिंग दूंगा, एनडीए और एयरफोर्स जितने भी हो उसकी मैथ कराऊंगा, है ना। तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? यस सर, पक्का जुड़ेंगे। ठीक है आयुष, तो शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, है ना। तो बच्चों सुधांशु क्लासरी हमारे साथ, सुधांशु क्लासरी क्या परसेंटेज रही आपकी? मेरी 88 आई है। अच्छा 88% रही, तो क्या सेटिस्फेक्शन है आपको अपनी परसेंटेज से? हाँ बहुत सेटिस्फेक्शन है, इतना लगा भी नहीं था, बहुत आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बताना चाहोगे आप बच्चों को? बस कुछ नहीं, जो सर आपने चलना पढ़ाते हैं उसको पढ़ाओ और बस टॉप मारो आप भी। ठीक है, और टॉपर्स कोचिंग सेंटर में आप कौन सी क्लास में जुड़े? मैं 10th में ही जुड़ा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत खेला, पढ़ाई करी। और सुधांशु क्या कहते हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स का कैसा सहयोग रहा आपका? पेरेंट्स पेपर के टाइम बोलते थे पढ़ने के लिए, बाकी नहीं बोलते। अच्छा चलो ठीक है। मोहित रतोड़ी, मोहित रतोड़ी सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी परसेंटेज क्या रही बेटा? मेरी परसेंटेज 86 रही। बहुत अच्छी परसेंटेज है 86, 70 से ऊपर जो बच्चे टच करते हैं तो बहुत टैलेंटेड होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि मोहित रतोड़ी कि तुमने पढ़ाई कैसे की? सर पढ़ाई तो वैसे हमने साल भर की नहीं थी, पर लास्ट के 2 महीने की, अगर साल भर करते तो और अच्छी आती, वो गलती हमारी है। बाकी सर लास्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ी उसी वजह से। अच्छा, तो अब बच्चों को क्या समझाना चाहोगे? सर ये समझाना चाहूंगा कि जो 10th में आए वो शुरू से पढ़ाई करें, हमारी तरह गलती ना करें, 86 की उनकी 96 भी बन सकती है, तो इसलिए शुरू से पढ़ाई करें। अच्छा, मैंने मैथ्स का एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल पता है तुम्हें? यस सर। रिकमेंडेशन करोगे आप? हाँ सर बिल्कुल, सर का चैनल देखो, वो जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं वैसी ऑनलाइन भी, ट्यूशन भी सेम वैसी है, बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शन। पूछना चाहेंगे आदर्श, कैसा रहा आपका 10th का क्लास? सर मैं कहना चाहूँगा कि मेरी 10th की क्लास सही थी, पर आखिरी में थोड़ा प्रेशर आ गया था, पर ये होता है जब पेपर आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर नहीं लेना चाहिए और थोड़ा मतलब मैनेज करना चाहिए हर सब्जेक्ट को, मतलब पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए। और बाकी तो सर बाकी तो रिजल्ट तो अच्छा ही था, बाकी तो ठीक ही था। ठीक है आदर्श, क्या परसेंटेज बनी आपकी? सर मेरी 86 आ गई थी। अच्छा, और बच्चे ना रेल में कंफ्यूज रहते हैं, प्रेशर रहता है उनके पास कि बोर्ड की क्लास है, तो क्या मतलब सजेशन आपकी, आपकी ये एनसीईआरटी पे फोकस करें या क्या करें? मतलब सर पहले तो ये कि हमारा मतलब जो 10th वालों का उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले तो 9th में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो थोड़ा 10th में जो प्रेशर नहीं आएगा। और सर एनसीईआरटी तो 10th की पूरी पढ़नी चाहिए बच्चों को, और बाकी थोड़े सैंपल पेपर और थोड़ा एडिशनल तो करना ही चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस बनती है। ठीक है आदर्श, आप टॉपर्स कोचिंग सेंटर में कब जुड़े? सर मैं टॉपर्स कोचिंग सेंटर में 10th में ही जुड़ा, और ये सर इसमें सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मज़े भी बहुत किए हैं हमने, और पढ़ाई भी करी है, थोड़ी डांट भी खाई है, पर ठीक था। चलो ठीक है, मतलब डांट भी, मेरी डांट भी तुम्हारे लिए काम ही आई होगी, है ना? यस सर डांट भी काम आई सर, वो तो ये था कि
थोड़ा मतलब प्रेशर तो आता ही है ऊपर से, पर ये रहता है कि थोड़ा ट्यूशन से ये होता है कि सर थोड़ा परसेंटेज अप हो जाती है। ठीक। I know we had our differences, but today, I just want to tell you. Hey, congratulations, it's a celebration, party all day, I know you've been waiting. Congratulations, it's a celebration, I just want to tell you that I think that you're amazing. तो मयंक, कैसा रहा आपका 10th का सफर? ठीक रहा। क्या परसेंटेज है आपकी? 85 तो बहुत बड़ी, बहुत ही एक लेवल है, 85 बहुत अच्छी परसेंटेज है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब जो आप बोल रहे हो कि मेरे को थोड़ा और ज़्यादा की उम्मीद थी, तो क्या ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा नहीं आए, क्या मतलब गलतियाँ हुई? बस मैं बोलना चाहूँगा शुरू से पढ़ना, हमने लास्ट में पढ़ा, लास्ट के एक महीने में, इसलिए हमारे थोड़े कम रह गए मार्क्स, तो शुरू से पढ़ना बस। आपने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया? मैंने ज़्यादा मैथ्स में ही करा था फोकस, साइंस में करना ली, मैंने साइंस में फोकस नहीं करा था बिल्कुल ही, उससे भी थोड़े मार्क्स कम हो गए मेरे। मैथ्स में इंटरेस्ट है मतलब आपको, है ना? तो मैथ्स में क्या ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी या अदर बुक्स? मैंने एनसीईआरटी करी थी लास्ट के एक महीने में, करी थी अदर बुक्स थोड़ी। ठीक है। और टॉपर्स के साथ कब जुड़े आप? 10th में जुड़ा था मैं। 10th में जुड़े, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, क्योंकि 10th के बाद आपने छोड़ा नहीं। टॉपर्स में आके मैथ्स में इंटरेस्ट आया। अच्छा, इंटरेस्ट आया। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। Your big day. Incredible job. I know we had our differences, but today I just want to अपने ने कैसी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी परसेंटेज लाए, हमें जानते हैं कि सपना आपने पूरे साल कैसे पढ़ा? सर मैंने एनसीईआरटी बुक पढ़ी, उसके अलावा थोड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए और बस। मतलब मेन फोकस आपने एनसीईआरटी पे करा? यस सर। अच्छा, तो और जो जूनियर बच्चे हैं जो आप 10th में गए, उनको आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे पढ़ना चाहिए हमें? सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़ो, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है। बच्चों, अब हमारे साथ अमन काला जुड़ चुके हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, अभी इनका रिजल्ट आया। अमन, आप मैथ को कैसे इतनी अच्छी तरह फोकस करते हो? सर आप जो पढ़ाते सर मैं समझता हूँ सर, रटता नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैथ को समझता है अमन, रटता नहीं, तो ये एक मैसेज भी है कि मैथ को हमें समझना चाहिए, है ना? और क्या कुछ बताना चाहोगे अमन कि आप परसेंटेज क्या रही है आपकी? सर 90.2। 90.2 परसेंट है, 90 वाले बच्चे हैं, 90 वाले बच्चे तो वो ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं। बताना चाहोगे आप बच्चों को? सर ऐसे नहीं कि शुरुआत से बिल्कुल आँख बंद, बिल्कुल किताबें खोल के, रिफ्रेशर खोल के पढ़ो, लास्ट का एक महीना है, बेस क्लियर रखो अपना पूरे साल। लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं कि तुम पेपर से एक दिन पहले पढ़ो, तुम कंटिन्यूअस पढ़ाई करो। अगर कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हो बच्चों, तो एक लेवल पे पहुंच जाते हो। पेपर से एक दिन की जो पहले पढ़ाई होती है, वो पूरा माइंड में हौच-पौच बनाती है, सब मिक्स कर देती, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो हर बात में एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा है बच्चों का। ठीक है अमन, आगे के लिए शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। और चाहता हूँ कि 12th में आप 100 लाओ। सर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। हमारे साथ नंदिनी गुप्ता की बहुत अच्छी परसेंटेज आई, बहुत अच्छी मेहनत करी और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है नंदिनी गुप्ता। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कितना आपने कितना पढ़ा जो इतनी अच्छी परसेंटेज आई, कैसे पढ़ाई करी? सो पहले तो मैंने 9th में तो मैंने भी ज्यादा फोकस नहीं करा, बट मैंने 10th से मतलब सब आपने भी मोटिवेट करा और मेरी दी लोग हैं उन्होंने भी मोटिवेट करा कि शुरू से पढ़ना है, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग से थोड़ा इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन मैं लेके चल रही थी कि मैं सब लेवल मेंटेन करके रखूं, तो मैं शुरू से साइंस और मैथ्स में ज़्यादा फोकस कर रही थी, लेकिन सब तब आपने बताया कि सबको इक्वली लेके चलना है, इंग्लिश में अगर हम कम आ जाएंगे तो उससे परसेंटेज का भी लॉस होगा। ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उनको एनसीईआरटी या एक्स्ट्रा बुक किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? फर्स्टली मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जैसे मैंने ऑब्जर्व करा कि जो हमारा सीबीएसई का जो बोर्ड आया था उसमें मोस्टली एनसीईआरटी से आ रखा था, मतलब मैंने
सीरियसली बोलूँ तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा एनसीईआरटी के अलावा, और मोस्टली एनसीईआरटी से आ रखा था। अच्छा, आगे का आपका क्या बनने का विचार है, फ्यूचर प्लान? सर मैंने 11th में लिया है कॉमर्स प्लस मैथ्स, और मेरा सीए बनने का है। ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। और लास्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछना चाहूँगा, टॉपर्स के साथ जुड़ के क्या आपको लगा? सो मैंने ज्वाइन करा था टॉपर्स एट दी जब मैं 9th में थी, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मस्ती भी उतनी होती थी, मतलब पढ़ाई भी उतनी होती है, और आपने काफ़ी मोटिवेट करा कि टाइम टू टाइम पढ़ना है। जब होपलेस हो जाते थे हम तो हम आपके पास आते थे कि सर कैसे करना है, तो आप हमें पूरा बताते थे कि हाँ टाइम दो, उसको दो, इतना मैथ्स को दो, इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको दो, तब तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला है, क्या आपने देखा है, और उसके बारे में क्या आपके विचार हैं उन बच्चों के लिए जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्यूशन फीस नहीं दे पाते, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इक्वल पढ़े ताकि उनकी हेल्प हो, तो क्या वो हेल्पफुल है या नहीं है, आप ही बता सकते हो? सर वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे अभी ये लॉकडाउन भी लग गया तो काफ़ी बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, दूर हो जाते हैं इंस्टीट्यूट घर से, तो वो उससे यूट्यूब के द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ ले, जैसे अब उनका काफ़ी पढ़ाई का लॉस हो गया लॉकडाउन की वजह से, तो वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आपका चैनल मतलब आप इतने अच्छे समझा दे कि एकदम मतलब आ ही जाता है कि हाँ इजी है ये, तो ये तो कुछ भी नहीं था। तो मैं आगे के लिए आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और बहुत अच्छे बच्चे, बहुत इन्होंने मेहनत करी, और बहुत बहुत इनके लिए शुभकामनाएं। हाँ तो बच्चों हमारे साथ है संस्कृति कंडवाल। संस्कृति कंडवाल सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप खुश हो? यस सर मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स में, बिल्कुल नहीं लगा था कि मतलब इतना सही मैं कर लूँगी, मुझे तो पास होने की भी उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल सर ने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें, तो मतलब एंड में तो मुझसे बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से मैंने कुछ नहीं पढ़ा, फिर मैं एंड में जाके फिर सर ने मेरी बहुत हेल्प की, मैं एक्स्ट्रा पढ़ती थी सर के ट्यूशन में। और संस्कृति आप मेरे को देखा कि लास्ट में बच्चों संस्कृति बहुत सीरियस हो गई थी, इन्हें बच्चों ने भी स्टूडेंट ने भी उनकी हेल्प करी और पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस हो गई थी, तो संस्कृति बहुत सीरियस क्यों हो गई थी तुम लास्ट मोमेंट में? सर वो मैं इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने अपने आसपास जितने लोग थे तो मतलब देखा मैंने कि टेंथ के अगर टेंथ में फेल हो गए तो फिर कैसा होता है। और संस्कृत एक पूछना चाहूँगा कि इस दौरान जब आप टॉपर्स में थी या जब मैंने आपको पढ़ाया तो कई बार मैंने डांटा भी होगा, तो कोई मोमेंट आप शेयर करना चाहोगे, हाँ भाई सर ने डांटा और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आप पढ़ना चाहिए, कुछ भी मतलब शेयर करना चाहोगे बच्चों से? सर पहले तो आपने डांटा कभी नहीं सर, सर आपने प्यार से समझाया जब भी समझाया, और काफ़ी मोटिवेट किया पढ़ने के लिए आप, मतलब सर आपसे जितनी बार पूछा जाता था ना कि हम क्या करें क्या करें, जब बिल्कुल होपलेस हो जाते थे तब भी आप मतलब बिल्कुल होपलेस ही नहीं होने देते थे, मतलब काफ़ी हेल्प करते थे हर चीज़ में, और बाकी सर थैंक यू सो मच आपने। आप खुश हो मतलब ना? यस सर मैं बहुत खुश हूँ। अब आने वाले बच्चे उनको क्या बताना चाहोगे कि क्या गलतियाँ आपने करी और इनको नहीं करनी चाहिए? सर मैंने तो स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं पढ़ा, और मैंने 9th में बिल्कुल फोकस नहीं किया, जो कि 9th में फोकस करना आपने पहले भी बोला था पर मैंने सुना नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने 9th में फोकस नहीं किया, तो वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बट अगर लास्ट में फिर भी पढ़ लिया जाए सर से पढ़ना, सर बहुत अच्छा पढ़ाते। थैंक यू। और बेटा बस लास्ट एक क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहूँगा, टॉपर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर टॉपर्स कोचिंग सेंटर मतलब मस्ती भी उतनी होती है पढ़ाई भी उतनी होती है, तो मुझे तो बहुत मजा आया। चलो थैंक यू बेटा। कांग्रेचुलेशंस इट्स अ सेलिब्रेशन पार्टी ऑल द वे आई डोंट नो बीन वेटिंग कांग्रेचुलेशंस इट्स अ सेलिब्रेशन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आई थिंक दैट यू आर अमेजिंग हे कांग्रेचुलेशंस टू योर कॉर्पोरेशन गेस यू बी वन स्वीडिश बॉय यू नीड अ बिलियनेशन। तो बच्चों हमारे साथ है सिमरन, सिमरन की भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई, बहुत मेहनत करी उसने। सिमरन कैसे पढ़ाई की आपने? सर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी, बाकी कुछ नहीं, बस सैंपल पेपर लास्ट में ही करे थे। अच्छा, और सिमरन क्या परसेंटेज रही आपकी? सर मेरी 82% रही। 82% रही, बहुत अच्छी परसेंटेज ला रखी है सिमरन। और सिमरन ज़्यादा टाइम आपने कौन से सब्जेक्ट को दिया? सर मैथ्स एंड साइंस को। मैथ और साइंस को। आगे क्या बनोगी तुम सिमरन, आगे क्या सोचा है? सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए। एनडीए ज्वाइन करना चाहती है सिमरन, बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको बेटा मैथ ही फोकस रखना पड़ेगा, है ना? सर जब से आप
का कोचिंग ज्वाइन किया ना तब से मैथ्स में जा रहे इंटरेस्ट आने लगा है। जेन्युइन बात वो बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्लियर हो रहे हैं आपके मैथ्स में मेन चीजें कांसेप्ट बहुत क्लियर हो रहे हैं कांसेप्ट। ठीक है तो मैथ्स में सबको पता है कि कांसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए तभी मैथ कर पाओगे। आगे के लिए शुभकामनाएं। बच्चों अब अखिल जदली हमारे साथ, अखिल जदली आप बता सकते हैं बच्चों को क्या परसेंटेज आई बेटा आपकी? सर मेरी 82 परसेंटेज आई और मैथ्स में 84 मार्क्स आए। अच्छा 82 परसेंट और मैथ्स में 84 मार्क्स आए, बहुत अच्छी परसेंटेज है। कैसे पढ़ाई की आपने? सर मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी पूरे दिन भर में। और सही बोल रहा हो कि उसने कितनी पढ़ाई करी कैसे करी, लेकिन अखिल ये बोलना चाहेंगे आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करते थे, मतलब एनसीईआरटी एक्स्ट्रा बुक या नोट्स या किस चीज पे ज्यादा फोकस किया आपने? एनसीईआरटी में ही करा ज्यादा फोकस क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है सारा। अच्छा और छोटे बच्चों को कुछ मैसेज आपका? बस कि जो जितनी क्लास है उसके ठीक हाफ आवर्स के लिए पढ़ना चाहिए। अच्छा टॉपर्स कोचिंग सेंटर के लिए कौन सी क्लास में जुड़े आप? 10th में ही जुड़ा था। अच्छा कैसा रहा? बहुत मजा आया। अच्छा। और मस्त था। ठीक है तो आगे आप क्या बनना चाहोगे? सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करूंगा। अच्छा इंजीनियरिंग में जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग में, तो शुभकामनाएं बेटा आपके लिए आगे के लिए, है ना? थैंक यू बेटा। ओके तो खुशी तुम्हारी बहुत अच्छी परसेंटेज आई, खुश हो तुम? यस सर बहुत खुश है। अच्छा और मतलब पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा, क्या बताओगे आप? पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और सबसे ज्यादा टीचर्स का सपोर्ट रहा है हम पे। टीचर्स ने जहाँ जहाँ हमें जरूरत थी वहाँ वहाँ हमें बहुत सपोर्ट किया है, साथ ही पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और टीचर सबसे ज्यादा थैंकफुल हम टीचर्स के ही हैं जिन्होंने हमें इतनी अच्छी परसेंटेज में बहुत हेल्प किया था, इतना अच्छा हमें पढ़ाया है। जैसे कि जैसे टीचर्स बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो हम हाँ पे हाँ मिला दे चाहे हमें आए ना आए, बट जब मैं टॉपर्स से जुड़ी तब मतलब टीचर्स भी वहाँ के बहुत फ्रेंडली, आप बहुत फ्रेंडली थे हमारे साथ। जैसे कि अगर आप हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो हम आपसे बेझिझक पूछ सकते थे, इसलिए हमें मेरे को बहुत अच्छा लगा कोचिंग सेंटर। थैंक यू बेटा। और ये पूछना चाहूँगा मैं कि जो YouTube चैनल है मैंने ऐसा खोला कि कुछ बच्चे अगर अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, कुछ मतलब किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं इक्वली वहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ जैसे कोचिंग में वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपने देखा तो आप बच्चों को क्या रिकमेंडेशन करोगे इसके बारे में? मेरा तो यही है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते सबसे पहले तो आपका आपको बहुत सारा थैंक्स है कि आप मतलब ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहे हो। और आई थिंक बच्चों को आपके साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि आप बहुत अच्छे टीचर हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो क्योंकि हमने भी आपसे पढ़ा है, तो हम अपने उससे बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा। और आपका फ्यूचर एम क्या है? मेरा एम डॉक्टर है। हाँ तो हम शुभकामनाएं देते हैं, जल्दी डॉक्टर बनो और हम सबका इलाज करो, ट्रीटमेंट करो। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा।